रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो मैंने बहुत पावरफुल बना के रखे हुए हैं और डेफिनेटली आपको भी ये कैरेक्टर लेने चाहिए। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है यहाँ पर मैं फ्री में जो तुमको मिल जाता है वो आयरन मैन। आयरन मैन को तुम आराम से बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है, जिससे तुमको कैसे आयरन मैन को बिल्ड करना है ये तुमको समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर का जो कैरेक्टर है वो है यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका मोस्ट फेमस कैरेक्टर है इन एमसीयू एंड इन एवेंजर्स। और इस कैरेक्टर को अगर बिल्ड नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जाके अभी भी बिल्ड करो। CTP ये वो सब सारी डिटेल मैंने दे चुका हूँ अपने कैरेक्टर के बिल्ड वीडियो में। तो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर जाके चेकआउट करो एंड वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आक्रमण। उसके बाद में थर्ड कैरेक्टर है यहाँ पर मैं हल्क, द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। ये हल्क इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कैरेक्टर को वन शॉट कर सकता है। तो इसको अगर नहीं परचेस किया है इसका लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म तो जाके ज़रूर परचेस करो। एंड CTP क्या लगाना है, क्या अपग्रेड करना है, क्या नहीं देना है, क्या देना है, उसके ऊपर मैंने एक बिल्ड वीडियो बना के रखा हुआ है जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। तो ज़रूर जाके वॉच आउट करो और बाकी लोगों को शेयर कर देना। न्यू प्लेयर्स एंड बिगिनर्स प्लेयर को इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। एकदम सॉलिड पॉइंट निकाला। आगे चौथा कैरेक्टर यहाँ पर है थॉर। थॉर मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, आयरन मैन के बाद में ऐसा कैरेक्टर है जो हाईएस्ट DPS देता है और कम से कम सेकंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज क्लियर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है, इतना ज़्यादा मोस्ट फेमस है इंडिया में, स्पेशली लोग इसके नाम से चिल्लाते हैं थॉर। तो बिना देरी के इसे ले लेना और इसका जो लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म है लवन थंडर वाला यूनिफॉर्म वो ज़रूर परचेस करना। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इन मार्वल फ्यूचर फाइट, वो भी फ्री कैटेगरी में। और इसको तुम लोग फ्री में अक्वायर कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। और इसको बिल्ड कैसे करना है उसकी बिल्ड वाली वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बनाए रखी है, प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट का नाम है कैरेक्टर बिल्ड। उसमें चेकआउट कर लेना कि थॉर को कैसे बिल्ड करना है, थॉर को कौन सा मटेरियल देना है और थॉर को किस तरीके के मटेरियल सेट करने से थॉर का क्या क्या बढ़ेगा और थॉर किस तरीके से पावरफुल बनेगा, उसके आपको वीडियो चेक करना पड़ेगा, बिल्ड वीडियो। ठीक है, तो बिल्ड वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करो मेरे चैनल पर, आपको दिखेगा उसमें। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर मैं पांचवें नंबर का कैरेक्टर स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है स्पीड टाइप कैटेगरी का कि इसके सामने तो कोई कैरेक्टर की औकात ही नहीं है भाई साहब। मतलब ये कैरेक्टर ने बवाल करके रखा हुआ है। ये कैरेक्टर लेवल एटिकेट लेवल Tier 4 के कैरेक्टर को मारने की कैपेबिलिटी रखता है और जेंगरे जैसे कैरेक्टर को ये धोबी काट के दर्द धोके निकाल सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। और ये हल्क जैसे कैरेक्टर को हीलिंग हाई HP वाले कैरेक्टर को भी डिफर करने की ताकत रख सकता है। ये कैरेक्टर सच में कमाल का कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के यूनिफॉर्म अगर अभी भी नहीं लिए ना तो भाई तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तो जाओ जाके ले लो इसका लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म, स्पाइडरमैन इंटीग्रेटेड वाला सूट जो कि तुमको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ये सूट अगर तुमने परचेस नहीं किया तो जाके डेफिनेटली परचेस कर लो और एक अच्छा सा CTP देके इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अगर CTP नहीं है तो ऑब्लिस लगा के भी सूट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैरेक्टर को Tier 4 मिलने में भी कुछ ही वक्त बाकी है, उसके बाद में जैसे इसको Tier 4 मिलेगा ये वापस अपनी रैंकिंग हासिल कर लेगा। तो ये मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट वैल्यूएबल कैरेक्टर है स्पीड टाइप कैटेगरी में। इसको नहीं लिया तो क्या कर रहे हो भाई, ले लो। इसको लेने के बाद में लाइफ झिंगा लगा। अगला कैरेक्टर यहाँ पर छठवां नंबर का कैरेक्टर है, वो यहाँ पर मैं है थानोस। थानोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा
खतरनाक लेवल का पीवीपी कैरेक्टर का पीवीपी सेक्शन का सबसे खतरनाक कैरेक्टर में से एक है। ये थानोस कितना बड़ा है, इसको 10 मूवी लग गई सेटअप करने में, तो तुम सोच सकते हो कि यह किस लेवल का बवाल चीज़ होगी। तो थानोस को अभी भी एक्वायर नहीं किया है, बिल्ड नहीं किया है, तो कर लेना। एंड इसको जो मटेरियल चाहिए वो कौन से मटेरियल सेट करना है, कैसे थानोस को बिल्ड करना है, उसकी बिल्ड वाली वीडियो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल रखी है। तो डेफिनेटली अभी भी वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लो। एंड न्यू प्लेयर्स और बिगिनर्स को, अपने फ्रेंड्स और बाकी जो भी इस गेम को इंटरेस्टेड हो या खेलने में इंटरेस्टेड हो या खेलना चाहता हो, उसे ये वीडियो ज़रूर दे देना और उसके बिल्ड वाली वीडियो ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। धन्यवाद। तो ये है भविष्य, शाबाश, शुक्रिया बाबा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर मैं 8वें नंबर का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर मैं किसी और को रखना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा लाने में उसको अक्वायर करने में टाइम लगता है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर को मैं रिकमेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पीड टाइप कैटेगरी की है मिस मार्वल। तुम चाहो तो शूरी भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तुमको अगर अपना लॉस करवाना होगा तो शूरी भी ले सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट करवाना है तो मिस मार्वल भी ले सकते हो। तो मिस मार्वल स्पीड टाइप कैटेगरी के अभी तक पीवी सेक्शन में बेस्ट कैरेक्टर है, और इससे बेहतर कैरेक्टर तो अभी तक मैंने नहीं देखा जो इजीली ऑब्लिस के साथ में इजीली वर्क करती हो। बाकी कैरेक्टर को सीटीपी की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं मिस मार्वल को रिकमेंड कर रहा हूँ, और मिस मार्वल इजीली यहाँ पर मैं यूज़ हो जाएगी। यहाँ तक कि मेरे मिस मार्वल का 4400 रैंकिंग है, और मेरे मिस मार्वल को ज़्यादा ब्लेसिंग शुरू लगाए हुए नहीं है, कुछ ही ब्लेसिंग शुरू है, चार ही ब्लेसिंग शुरू है, और बाकी के नॉर्मल उरू है, तुम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस तरीके से अगर बिल्ड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिस मार्वल को यूज़ कर पाओगे। तो डेफिनेटली आप लोगों ने अगर मिस मार्वल का यूनिफॉर्म नहीं लिया है तो जाके ले लेना मिस मार्वल का। वो मार्वल सीरीज जो आई है मिस मार्वल है, वो वाली जो यूनिफॉर्म है वो नहीं परचेस किया है तो परचेस कर लेना यूनिफॉर्म से लाने के बाद में। एंड इसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो उसका कैरेक्टर का बिल्ड मैंने डाल रखा है मेरे प्लेलिस्ट पे, तो नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट करो, ठीक है। और बाकी न्यू प्लेयर्स और बिगिनर्स को भी शेयर कर देना। ये मोस्ट पावरफुल यूज़फुल कैरेक्टर है पीवी सेक्शन में स्पीड टाइप कैटेगरी में। इसको नहीं लिया है तो डेफिनेटली जाकर लो, टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन लेना है ज़रूर। उसके बाद में अगला जो कैरेक्टर है वो है यहाँ पर मैं 9वां नंबर का, आई थिंक 9वां नंबर का, 9वां नंबर का जो कैरेक्टर है वो है यहाँ पर मैं जेंग्रे। जेंग्रे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है अभी तक का मार्वल वर्ल्ड में, मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, बिकॉज ये कैरेक्टर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि भाई साहब टाउन बटल में एक एक कैरेक्टर को सिंगल हैंडेड मार रही है, सिंगल हैंडेड। ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि भाई जितनी तारीफ करो उतना कम है, और ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसका पावरफुल इस कैरेक्टर को 63,080 के कैसे इंक्रेस करना है ये जानने के लिए आपको कैरेक्टर की बिल्ड वाली वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जेंग्रे को कैसे बिल्ड करना है और उसको कौन से मटेरियल देने हैं, कौन सा सीटीपी देना है, इसकी जानकारी के लिए आपको बिल्ड वीडियो देखना पड़ेगा जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। चैनल का प्लेलिस्ट का नाम है कैरेक्टर बिल्ड, ठीक है। कैरेक्टर बिल्ड वाली प्लेलिस्ट ओपन करना। ओपन करने के बाद में वहाँ पर तुमको नीचे के सेक्शन में या लेटेस्ट, वहाँ पर मैं ऑप्शन में लेटेस्ट वीडियो अगर ऑप्शन में स्विच करते हो तो वहाँ पर मैं कैटेगरी में तुमको लेटेस्ट वीडियो में जेंग्रे का बिल्ड वीडियो देखेगा, जिससे तुम्हें वॉच करना है एंड उससे सीखना है कि किस तरीके से जेंग्रे को बिल्ड करते हैं। और जितना ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बिल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा जेंग्रे पावरफुल होती जाएगी, और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि तुमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता टल नंबर में, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और ये कैरेक्टर को अगर 6600 क्रिस्टल से अगर कलेक्ट नहीं किया ना तो भाई क्या कर रहे हो स्मार्ट गेम में, क्या कर रहे हो, चलो फटाफट क्रिस्टल कलेक्ट करो। और ग्रीन गॉब्लिन जैसे टट्टी कैरेक्टर को अवॉइड करो, ग्रीन गॉब्लिन जैसे टट्टी कैरेक्टर को अवॉइड करके तुम लोग आराम से टाइम लेके, दिमाग से, ठंडी दिमाग से, नीड के हिसाब से आराम से 5500 से भी ज़्यादा के क्रिस्टल कलेक्ट कर सकते हो, वो भी आराम से। सही बात है। तो जाओ जाके कलेक्ट करो क्रिस्टल, और जेंग्रे को अगर हासिल नहीं किया है तो जाओ डेफिनेटली कर लो। ये मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इन टाउन बटल, और अभी के अपडेट में, एक्समैन के अपडेट में अभी तक की सबसे मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर में से एक है जेंग्रे। तो नहीं हासिल किया तो कर लेना, मेरा थोड़ा के देख रहे हो, काम पे लगो। और 10वां कैरेक्टर कमिंग सून, अभी मजा आएगा ना भिड़ो।